नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम लोग जो हमारी करंट अफेयर्स की सेक्शन वाइज सीरीज चल रही है, उसमें से जो सेक्शन रिलेटेड है आपका स्कीम प्रोजेक्ट से, उसको यहां पर कवर करेंगे हम लोग बाइलिंगुअल मैनर में। और देखेंगे स्कीम को कैसे, इसका नाम देखेंगे हम और किसके द्वारा उसको लॉन्च किया गया है, और उसमें अगर कुछ स्पेशल कोई फीचर होगा, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उभरते सितारे फंड है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम में जो है इसको लॉन्च किया है। इस फंड की जो स्थापना है वो कौन करेगा, सिडबी हमेशा आता है यहां पर और एक्सिम बैंक है, तो दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना किया है। इसके बाद जो आपकी प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। 75th नंबर का हमारा इंडिपेंडेंस डे था, इसके लिए जो फंडिंग की बात की गई है 100,00,000 करोड़ रुपए की गई है। इससे कहां पर फोकस करेंगे, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो आपका डोमेन है उसको, और वहां पर जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा और उससे बहुत सारे रोजगार भी वहां पर क्या होंगे, सृजित होंगे, जनरेट होंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ये युक्त धारा पोर्टल है आपका, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है आपके जितेंद्र सिंह जी इंडिपेंडेंट चार्ज में, उन्होंने लॉन्च किया है इसको। ये आपकी रिमोट सेंसिंग और GIS बेस्ड जो आपका टेक्निक है उसका यूज किया जाएगा, किसके लिए, जो मनरेगा की आपकी एसेट्स हैं उनको देखने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, ठीक है ना। उस तरीके से यहां पर ये जो आपका पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, जिसको जियो स्पेशियल पोर्टल बोला जा रहा है, ठीक है ना। भूस्थानिक एक तरीके का ये आपका योजना पोर्टल ही हो गया, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है, तो इसरो और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने, है ना, मिलकर ज्वाइंटली। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। इसको जो है अगले 2 वर्षों तक इसको कंटिन्यू रखने के लिए मंजूरी दी है, कब, 4 अगस्त 2021 को, है ना। जो आपका सेंट्रल क्या है, जो आपका कैबिनेट है यूनियन का, उसने अप्रूव किया है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो आपका स्पीडी जो है जस्टिस मिलता है यहां पर, ठीक है ना। और यहां पर जो ये व्यवस्था है आपका, जो यौन अपराधी है उनके खिलाफ भी निवारक ढांचे को ये आपका क्या करेगा, सशक्त करेगा, ठीक है ना, स्ट्रांग करेगा। इसके बाद पानी माह जो कैंपेन है, ये लद्दाख गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। जल जीवन मिशन के तहत जो है इसको स्टार्ट किया गया 1 अगस्त 2021 को, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो जो वाटर कंजर्वेशन है, ठीक है ना, जो कार्यक्रम है उनको जो है किस तरीके से जो है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए, उसको इफेक्टिव तरीके से किस तरीके से जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, है ना, उससे संदर्भित आपका ये कैंपेन है, ठीक है। इसके बाद जो AI जो है फॉर ऑल इनिशिएटिव इंटेल का है, ठीक है, इससे जो है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में जो आपकी बुनियादी समझ है उसको सृजित करने के ऑब्जेक्टिव से इसको CBSE और जो आपका शिक्षा मंत्रालय है उसने इसको लॉन्च किया है 29 जुलाई 2021 को। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूपी के महोबा से 10th ऑफ अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने इसको क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है, इसका शुभारंभ किया 2.0 का, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है आपका पाम से रिलेटेड, ठीक है ना, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है 18 अगस्त 2021 का। इसके अंतर्गत जो ये आपका क्षेत्र है ताड़ का तेल और उससे उसके साथ ही जो आपका एडिबल ऑयल है उसके प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। 2025-26 तक जो ताड़ का तेल है उसका डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको 3 गुना बढ़ा के 11 लाख मीट्रिक टन करना है। इसके बाद जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको 12 अगस्त 2021 को आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में भाग लिया उन्होंने, और उसी के तहत जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला के संदर्भ में जो आपके SHGs वगैरह होते हैं ना, SHGs वगैरह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना, उनके साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, ठीक है, इस संदर्भ में। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो वृक्ष बंधन प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, ठीक है। ये कहां लॉन्च किया गया, तो भैया ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ये जो है आपकी एक तरीके का इनोवेटिव इनिशिएटिव है आपका जो आर्ट ऑफ लिविंग के संदर्भ में है, ठीक है ना। तो 1100 जनजाति महिलाएं हैं, 1100 जनजाति जो महिलाएं थी उन्होंने रक्षाबंधन के लिए देशी पेड़ों के जो बीज हैं उनसे इको फ्रेंडली राखी जो है वो उन्होंने बनाया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है, ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की है, इसके अंतर्गत जो भूमिहीन मजदूर है
है ना 12 लाख करीब, तो उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं उनको जो लाभ है वो 31 मार्च 2022 के पहले ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो आपका लिथियम की खोज पर जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जेएनके स्टेट्स में 7 जो लिथियम से रिलेटेड अन्वेषण की जो स्कीम्स हैं उनको स्टार्ट किया गया है। इसके बाद कृषि करना जो आपकी परियोजना है केरला गवर्नमेंट की है, इसके अंतर्गत मिनी पॉलीहाउस बनाया जाएगा जो एक तरीके से ग्रीन हाउस से संदर्भित है ना, एक टाइप का ग्रीन हाउस है, ठीक है। इसके बाद स्माइल स्कीम है, ये आपका सोशल जस्टिस और जो आपका अधिकारिता मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उससे उसने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो आपका आजीविका और उद्यम के लिए है ना, एंटरप्रेन्योरशिप और आपके आजीविका की बात करें तो उसमें पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए समर्थन दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो आपके बैगर्स वगैरह हैं उनके भी रिहैबिलिटेशन की लिए एक सब स्कीम इसके अंतर्गत सब प्लान भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें नक्सलवाद की जो आपकी चुनौतियां हैं है ना, उससे निपटने के लिए एक स्थायी निकाय के गठन की बात की गई है। ये यूएनजीए ने किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में जो है उन्होंने बोला कि नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, रेसिज्म वगैरह जो है और उससे निपटने के लिए जो है वो एक तरीके की स्थायी मंच की स्थापना की जाए, ठीक है ना। तो इसकी बात की गई है, नॉर्मल सी चीज है, आप देख जाइएगा इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, तेलंगाना दलित बंधु स्कीम है, तेलंगाना गवर्नमेंट की है, जो वहां के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से जो है इस तरीके की योजना को लॉन्च किया है। इसमें जो दलित परिवार होंगे जो आपके एलिजिबल होंगे उनको 10 लाख रुपए का कैश इंसेंटिव जो है बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। इसके बाद समग्र शिक्षा स्कीम है, ये कैबिनेट कमेटी जो आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड है उसने लॉन्च किया है। 4 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है इसको लॉन्च किया गया है 2021-22 से 25-26 तक के लिए 5 वर्षों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ये सुजलाम जो आपका अभियान है उसकी शुरुआत 25 अगस्त 2021 से किया गया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। इसमें जो भी आपका अपशिष्ट जल है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाए है ना, उसको जो उसका प्रबंधन करते हुए किस तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री जो है किया जाए है ना, 100 दिनों के लिए वो अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। इसके बाद विलेज लेवल पे, इसके बाद जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना है, ठीक है, ये आपका 26 अगस्त 2021 को मालदीव में माले से थिलाफुशी लिंक परियोजना के लिए जो है $530 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको साइन किया गया है, इसी को इस नाम से जाना जाता है। इसके लिए भारत द्वारा जो है $10 करोड़ की फाइनेंशियल जो असिस्टेंस और $40 करोड़ की ऋण सहायता भी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ये आपका न्यूट्रिशनल जो आपका कैंपेन है ना, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है 26 अगस्त 2021 को उन्होंने जो है इसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। इसके बाद हर हित स्टोर स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट का, इसके तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में 2000 से अधिक रिटेल स्टोर खोले जाएंगे और इसके अंतर्गत व्यापार के नए अवसर मिलेंगे यूथ को और उसके तहत उनको सेल्फ रिलायंट भी बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना है, एनटीपीसी की है, ठीक है। 13 जुलाई 2021 को ये देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना जो है स्थापित की गई है एनटीपीसी के अंतर्गत, जो आपकी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उसने किया है ना, ठीक है, उसी की वो इकाई है। इसके बाद जो इसमें जो ज्ञापन उसने जो मतलब एक समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है वो किसके साथ, तो यूटी जो लद्दाख है उसके साथ किया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, जो वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने स्टार्ट किया इसको जुलाई 2021 में। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, कृषि विविधीकरण योजना है, डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है गुजरात गवर्नमेंट की, वहां के जो सीएम है विजय रूपाणी, उन्होंने 22 जून 2021 को वन बंधु किसानों के लिए ये जो है आपका लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाएगी उर्वरक के लिए है ना, फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड के लिए, तो उसके लिए जो है आपका 31 करोड़ के फंड की बात की गई है। किसके लिए है ये आपके, तो आदिवासी किसानों के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद जो सीमेंट उद्योग के लिए 25 मेंबर्स की जो आपकी विकास परिषद की स्थापना की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें जो डालमिया ग्रुप है उसके सीएमडी पुनीत डालमिया के अनुसार जो है उनके तहत जो इस सीमेंट उद्योग के लिए जो है इस तरीके के परिषद का गठन किया गया। इसके द्वारा इसका उत्पादन जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, कचरे को कम करेंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे है ना, कॉस्ट को कम करेंगे, उस तरीके के स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करने के लिए यहां पर सुझाव दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल आयुष मिशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये हमारे पीएम के अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसको अगले 5 वर्षों तक के लिए और जारी रखा जाएगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक के लिए है ना। जो आयुर्वेद है, सिद्धा है, सोवा, रिक्पा, यूनानी है ना, उसके साथ ही होम्योपैथी को यहां पर प्रायोरिटी दिया जाएगा है ना, और उधर जो है वहां पर अब फोकस किया जाएगा एलोपैथी की जगह, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ये डीपीआईआईटी जो है आपका, उसने जो 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है,
है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल कॉमर्स के लिए, वाणिज्य के लिए एक ओपन नेटवर्क के विकास के लिए इसको गठित किया है, ठीक है ना, ओपन नेटवर्क बनाने के लिए। ये आपका उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसके, है ना, ये किसके अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत है। इसके बाद परियोजना बोल्ड है, ये आपका केवीआईसी का है, ठीक है ना, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन का, 4 जुलाई 2021 को जो डेजर्टिफिकेशन उसको कम करने के लिए और आजीविका प्रदान करने के लिए, ये आपकी क्या है, बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता स्टार्ट की गई है। ये राजस्थान के उदयपुर जिले के जो आपके आदिवासी गांव है निकल मांडावा, वहां से जो है शुरुआत की गई, देश की अपनी तरह की ये आपकी पहली परियोजना है। इसके अंतर्गत 15,000 बांस के पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके बाद स्टैंड अप इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी योजना है, इसकी भी जो टेन्योर है अवधि 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, है ना, एससी एसटी महिला जो भी आपके उनको असिस्टेंस दिया जाता है ना, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, तो उनको क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, ताकि वो वहां से ऋण ले सके। इसके बाद आदर्श स्मारक स्कीम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये जो है आपका ये आदर्श स्मारक योजना के तहत जो गुंटूर का नागार्जुन कोंडा है उसमें जो भी स्थित है आपके स्मारक है, श्री काकुलम के जो आपके सालीहुंडम है वहां पे बौद्ध अवशेष है, अनंतपुर में आपका वीरभद्र मंदिर है लिपाक्षी, उसको आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है, और ये आपका इको फ्रेंडली भी बनाना है और टूरिस्ट के लिए भी एडेप्टिव बनाना है इसके अंतर्गत जो भी आपकी ये साइट्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 के लिए जो आपका नई पहल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और इसमें 16 जुलाई 2021 को जो आपके मंत्री हैं आर के सिंह, उन्होंने टिकाऊ जीवन के लिए योग्य लक्ष्य के लिए ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 नई पहल का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए जो आपका एक आजादी का अमृत महोत्सव था उसी का आपका ये एक पार्ट है। इसके बाद जो ग्राम न्यायालय जो आपकी स्कीम है, ग्राम न्यायालय ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ये जो केंद्र प्रायोजित योजना है इसकी जो टेन्योर है इसको जारी रखने की बात की गई है 2021 से 2026 तक के लिए, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 के लिए, जहां पर बुनियादी जो भी सेवाएं हैं ढांचे से जुड़ी हुई है ना जुडिशरी से, उसको यहां पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। इसके बाद आपका चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 जो आपकी विडोज के लिए जो आपकी योजना चालू की गई वो असम गवर्नमेंट की है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो विडोज वगैरह हैं उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, और ये आपका 11 जुलाई 2021 को असम की सीएम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें जो विडोज वगैरह हैं उनको जो 5 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय है ना, उनको 2.5 लाख रुपए की जो है एक मुश्त जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके बाद सरल पेंशन स्कीम है एलआईसी की है, ये जो है आपका नॉन लिंक्ड जो है आपका सिंगल प्रीमियम और इंडिविजुअल तत्काल वाली जो आपकी वार्षिकी योजना है ना, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एलआईसी का है ये आपका स्कीम। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका योन टैब आपका योजना है, ये लद्दाख के जो आपके उप राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स को टैबलेट दिया जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद जो इस तरीके की जो ई लॉन्च किया गया है ना यून टैब योजना, ये जो है स्कूली बच्चों को शैक्षिक टैबलेट प्रदान करने वाला भारत का पहला यूटी भी बन गया है आपका कौन, लद्दाख, ठीक है। इसके बाद जो घर घर राशन कार्यक्रम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है ये आपका, ये जो कम आय वाले जो ग्राहक हैं जिनकी जो आजीविका है कोविड-19 से इफेक्टेड हुई है उनके लिए आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला ये आपका प्रोग्राम है, है ना। इसके बाद जो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना वेरी इंपॉर्टेंट एमपी गवर्नमेंट की है, ठीक है, और ये 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जो है बाल जो भी आपके बेनिफिशियरीज होंगे, है ना, जो बेनिफिशियरीज हितग्राही उनको 5,000 रुपए पर मंथ जो है आर्थिक सहायता दिया जाएगा, और इसके अंतर्गत ही आप देखेंगे तो जो एनएफएसए है एक्ट उसके अंतर्गत निःशुल्क मासिक राशन और शिक्षा सहायता के रूप में पहली से लेकर स्नातक तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उनको दिया जाएगा, ठीक है ना। जिनकी मृत्यु जो है ऐसे बच्चे जिनके मतलब अभिभावक या माता पिता की मृत्यु जो है कोरोना के कारण हो गई है 1 मार्च से लेकर 30 जून 2021 के बीच में, है ना, कोरोना के कारण जिनके अभिभावकों की मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है आपका मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना है असम गवर्नमेंट की, ठीक है ना, ये आपका मई 2021 में असम गवर्नमेंट ने इसको निकाला है ना, लॉन्च किया है। जो भी कोविड-19 के कारण जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है तो उनके उन शिशुओं के लिए ये आपका क्या किया जाएगा, 3,500 रुपए का इनको सहायता दिया जाएगा आर्थिक, और इस राशि में 2,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, है ना, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपकी स्कीम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थे उन्होंने जो इसको लॉन्च किया था, ठीक है ना, और इसमें जो है ऐसे अनाथ बच्चों की बात की गई है जो 21 वर्ष होने तक उनके भरण पोषण और शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए ट्रेनिंग वगैरह की भी व्यवस्था किया जाएगा, 3,000 रुपए फाइनेंशियल यहां पर असिस्टेंस दिया जाएगा भरण पोषण के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो अनाथ हो गए कोविड के कारण, इसके बाद जो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान है नीति आयोग और जो पिरामल आपका फाउंडेशन है उसने निकाला है, 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इसकी शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। तो यहां कोविड-19 के कारण जो मरीज वगैरह हैं उनको होम केयर उपलब्ध कराने में ये आपके असिस्टेंस देंगे, ठीक। इसके बाद जो रशिया चाइना बाइलेटरल एटॉमिक एनर्जी कॉपरेशन परियोजना है प्रोजेक्ट है जो आपका ये 19 मई 2021 को रूस और चाइना ने इसका शुभारंभ किया है,
ठीक है ना। और इसमें जो है 20 बिलियन युआन, लगभग 3 बिलियन US डॉलर से अधिक जो है इसकी कॉस्टिंग होगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल यही याद रखना है। और इसमें जो शिलान्यास किया गया है वो जुडापू आपका क्या है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसका यहां पर शिलान्यास भी किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है किसके बीच में कितना है, ठीक है ना। तो ये आपका डगमारा जल विद्युत परियोजना है, ये 14 जून 2021 को NHPC और जो आपका बिहार राज्य जल विद्युत निगम है उसने इसको लॉन्च किया है। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे इन्होंने क्या किया है, समझौता करके यहां पर हस्ताक्षर किया है। और 130.1 मेगावाट क्षमता की परियोजना का निर्माण किया जाएगा सुपौल जिले में कोसी नदी के ऊपर बिहार में। इसके बाद E100 पायलट प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 5 जून 2021 को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है, उसी दिन जो पुणे महाराष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने E100 पायलट जो है इसको जो है लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है, मतलब उसके प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा, उसको किस तरीके से रेडी करना है उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज भारत सहित 23 देशों ने, ठीक है ना, इसको सामूहिक रूप से जो है इस मिशन इनोवेशन 2.0 नाम का ये जो नया बोल्ड प्लान स्टार्ट किया है, इसमें क्लीन एनर्जी की बात की गई है, उससे रिलेटेड R&D की बात की गई है और उसमें किस तरीके का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, विश्व जो है वैश्विक देश, तो उसके लिए वैश्विक निवेश के लिए जो कार्यवाही करना है उसको किस तरीके से कैटलाइज किया जाए, है ना, तो उससे संदर्भित ये आपकी पूरी रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो आपको पता है COP21 में पेरिस क्लाइमेट जो आपका क्या हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, उससे रिलेटेड है आपकी। तो इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट जो है यहां पर जो नई पहल है वो चिली द्वारा आयोजित की गई है, ठीक है, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। पेरिस समझौते की दिशा में कार्यवाही जो है जो की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, उसमें किस तरीके से तेजी लाई जाए, ठीक है। भारत के लिए जो प्रोजेक्ट है O2 है ना इनिशिएटिव, उसके संदर्भ में बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें जो है आपका मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत ने यह प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। भारत के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार के कार्यालय की, एक ये आपकी पहल है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम है, भारत और भूटान का जॉइंटली प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, तो जो टैक्स आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहां पर स्ट्रांग बनाया जाएगा। इसके बाद यंग जो वॉरियर मूवमेंट है ये आपका CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें जो बोर्ड है उसने युवा मामले और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा जो है आपका यूनिसेफ है और 950 से अधिक जो है इसके और भी बहुत सारे क्या है भागीदार है, उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया है। इसमें 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए ये राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन स्टार्ट किया गया है, जो कोविड से फाइट कर सके, COVID-19 से, ठीक है ना। उसके बाद युवा प्रधानमंत्री योजना है, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, 29 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है ना। और इसमें जो है क्या करना है, युवा लेखक जो है आपके उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, ताकि जो लिखने की संस्कृति है, पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति, उसको क्या किया जाए, बढ़ावा किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, है ना, प्रमोट किया जा सके। इसके बाद उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी फंडिंग स्कीम UP गवर्नमेंट की है, और ये जो है इमरजेंसी फाइनेंशियल जो आपका असिस्टेंस है उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। जो भी आवश्यक सामग्री के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यूनिट है उसको स्थापित करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने यहां पर इसको लॉन्च किया कि भैया हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे जो भी इस तरीके की यूनिट्स लगाएंगे। इसके बाद चीफ मिनिस्टर उद्यमी योजना फॉर यूथ एंड वुमेन है बिहार गवर्नमेंट की, 18 जून 2021 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इनको लॉन्च किया, और इसमें बताया कि जो भी मतलब उद्यम लगा रहे एंटरप्रेन्योर है ना, उससे रिलेटेड जो भी युवक युवतियां हैं उनको जो है जाति पंथ के परवाह किए बिना है ना 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, उसे 5 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट के रूप में देगी और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिया जाएगा, जो आपका 84th स्टेट में मतलब जो इंस्टॉलमेंट है उसमें वापस किया जाएगा। इसमें दो जो है और भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो और भी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके बाद बायोमास के लिए जो आपका उससे रिलेटेड यूज है उसके लिए नेशनल मिशन है, और नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। तो जो खेतों में पराली जलाने की समस्या है हमारे पूरे नॉर्थ वेस्टर्न में है ना, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, तो उसको उसकी समस्या को एड्रेस करना, और जो ताप विद्युत उत्पादन है उसके लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जो कोल बेस्ड आपके संयंत्र है उसमें बायोमास के यूज को क्या करना, प्रमोट करना, उसके लिए नेशनल मिशन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इस मिशन की जो न्यूनतम अवधि है वो 5 वर्ष की होगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें गहरे समुद्र अभियान की बात की गई, डीप सी एक्सपेडिशन अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, तो ये 16 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। इसमें जो आपके गहरे समुद्र है उसमें रिसोर्सेस का पता लगाना है और उसके उपयोग के लिए जो है गहरे समुद्र से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करना है। इसके बाद जो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और SAG जो आपका पोर्टल है उसकी बात की जा रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। 4 जून 2021 को थावरचंद गहलोत ने भारत में एल्डरली पीपल के लिए इसको लॉन्च किया है, और ये जो पोर्टल है SAGE पोर्टल है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है ना इनिशिएटिव, और यही आपका पोर्टल भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्डरली पीपल से रिलेटेड है। इसके बाद साल्ट प्रोग्राम है, आंध्र जो आंध्र की गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट उसने लॉन्च किया है।
जून 2021 में। इसमें बेसिक शिक्षा पे फोकस किया जाएगा, उसको मतलब बदलने की कोशिश किया जा रहा है। उसके लिए सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसका फुल फॉर्म है वो। इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन के ऋण की भी मंजूरी दिया है, ठीक है ना। तो इसमें फाउंडेशन जो है स्ट्रांग करना है स्कूल के अंतर्गत, और वहां पर जो टीचर्स है ना, शिक्षक, उनको भी प्रशिक्षण और उनके भी कौशल विकास पर कॉन्सेंट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद जो है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है केरला गवर्नमेंट का, ये आपका लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है और इसको मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसको 2025 तक जो है केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद छात्र क्रेडिट कार्ड योजना है वेस्ट बंगाल की, इसमें जो भी आपका स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल का, वो आपका प्राप्त कर सकता है मैक्सिमम लोन 10 लाख पर एनएम के हिसाब से, 4% के इंटरेस्ट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा इसमें, है ना। स्टेट के जो कॉपरेटिव बैंक्स हैं उसके द्वारा, और जो भी एफिलेटेड सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक्स हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक्स हैं, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका, इसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की। COVID-19 के कारण जिन्होंने अपने अभिभावक माता पिता है ना जो खो दिया है, जिन्होंने, उनको पीएम केयर फंड जो है फॉर चिल्ड्रन के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को 10 लाख रुपए का कोष जो है बनाने के लिए जो है ये योजना जो है आपकी वो लाई गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने लॉन्च किया है। ये आपकी 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क जो आपका टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन, उसके लिए इसको क्या किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो सोशियो इकोनॉमिक आपके सेंसस है उसके संदर्भ में 2011 के जो आपके सीमांत कृषक हैं, लघु हैं, जो संविदा और मानदेय कर्मी हैं, है ना, जो भी, उनको जो है यहां पर 5 लाख रुपए तक का उनके परिवार को निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड है, ये आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है। ये जो समिति के गठन है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के जो आपके निदेशक है, प्रबंध निदेशक नीलेश शाह की अध्यक्षता में इसको किया गया है। इसके अंतर्गत जो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समीक्षा किया जाएगा जो भी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उसके अंतर्गत, और उसके बाद जो हमारा जो SCA है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, उसमें फंड के उद्योग के लिए ये रोड मैप पर भी जो क्या देगी, अपनी सिफारिश देगी। आपको पता है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है ना, तो यहां पर उसी के संदर्भ में यहां पर देखा जाएगा कि किस तरीके से वहां पर रिव्यू किया जा रहा है, किस तरीके से और वहां पर इंक्रीमेंट किया जा सकता है अच्छी सेवाओं को। इसके बाद जो वाइन यार्ड पवन परियोजना है आपकी, वो अमेरिका की है, और 11 मई 2021 को बिडेन प्रशासन ने देश के पहले प्रमुख अपतटीय पवन फॉर्म को अंतिम मंजूरी दी है ना। मतलब क्या किया है उन्होंने, अभी इसको अप्रूवल दिया है फर्स्ट मेजर ऑफशोर विंड फार्म को, ये मैसाचुसेट्स के तट पर जो है अवस्थित होगा। इसके बाद कन्या आशीर्वाद योजना है, पंजाब गवर्नमेंट की है, और ये जो है बेटियों के विवाह के लिए स्टार्ट की गई है। इसमें जो असिस्टेंस दिया जाएगा 21,000 से बढ़ा के 51,000 कर दिया गया फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके बाद जो आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिकल सेल बैटरी स्टोरेज, ये आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। 12 मई 2021 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की जो आपकी बैटरीज हैं उसके लिए यहां पर क्षमता प्राप्त करने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है ना, इस कैपेसिटी को गेन करने का। इसके बाद बाल हृदय योजना है, बिहार के सीएम ने लॉन्च किया है। ये योजना निश्चय 2 के अंतर्गत जो है आपका स्टार्ट किया गया है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत, ठीक है ना। राज्य सरकार जो है इसके अंतर्गत बच्चों और उनके अभिभावकों को उनके आने जाने के खर्च के साथ ही उनकी सारी व्यवस्थाएं भी करेगा, है ना। तो ये याद रखना है कि कहां की है और किससे रिलेटेड है। इसके बाद जो आपका सबसी केबल नेटवर्क परियोजना है, जियो की है, रिलायंस जियो की, ये केबल प्रणाली घोषणा की है ना, अंतरराष्ट्रीय समुद्र मग्न, है ना, मतलब सी बेस्ड केबल सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड है आपका। इसके बाद जो SHWAS और जो आपका ARoG स्कीम है ना, आरोग्य जिसको आप बोल रहे हैं, सिडबी ने लॉन्च किया है इसको, और सिडबी असिस्टेंस देगा इसमें हेल्थ केयर सेक्टर के संदर्भ में, जो भी आपकी COVID-19 के संदर्भ में जो युद्ध चल रही है ना, जो सेकेंड वेव, उसके अंतर्गत यहां पर वो क्या देगा, यहां पर वो आपको असिस्टेंस देगा। इसी के मार्गदर्शन में ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर हो गया, जो भी इसेंशियल आपकी मेडिसिन है उसकी सप्लाई से रिलेटेड जो भी आपकी वहां पर हेल्प होगी, वहां पर वो क्या करेगा, असिस्टेंस देगा मॉनिटरी रूप में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, यो यूपी मुख्यमंत्री जो है आपकी बाल सेवा योजना है, यूपी चीफ मिनिस्टर चाइल्ड सर्विस स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। ये जो है आपका यहां के जो आपके सीएम है आपके यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने 29 मई 2021 को स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि ऐसे बच्चों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है मार्च 2021 के बाद, ठीक है ना, तो उनकी देखभाल फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 4,000 रुपए जो है प्रति माह जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। इसके बाद मिशन हौसला अभियान है, उत्तराखंड पुलिस का है,
ठीक है, इसमें कोविड 19 के जो आपके रोगी हैं उनके लिए ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर प्लाज्मा है ना, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं प्राप्त करने में वो जो है आपकी हेल्प करेगी, ठीक है ना। उसके बाद जो आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है, इसके अंतर्गत कोविड 19 जो पॉजिटिव रोगी हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये ग्राम उजाला प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। तो केंद्रीय विद्युत स्वतंत्र प्रभार जो आपके मंत्री हैं श्री आर के सिंह, उन्होंने 19 मार्च 2021 को बिहार के आरा से जो है इसकी स्टार्ट मतलब इसको इनॉग्रेट किया है एक वर्चुअल समिट में समारोह में। इसके अंतर्गत 2025 तक जो है आपके प्रतिवर्ष जो है जो बचत की बात की जा रही है ना, मतलब जो आपका बचत की बात की जा रही है वो रिड्यूस किया जाएगा 1.65 मिलियन टन्स है ना पर एनएम की दर से, है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका ग्राम उजाला योजना का जो दूसरा चरण, इसकी शुरुआत यूपी के वाराणसी से किया गया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ये, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वन है उसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 की है, ये आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है। इसके अंतर्गत जो भी आपकी दुर्लभ बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए जो आपकी कॉस्टिंग है उसको कम करना है, और इसमें इंडिजिनियसली जो भी R&D है उसको प्रमोट करना है, और डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ पर उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आपका 30 मार्च को जो है ये आपकी इस नीति को क्या किया गया, अप्रूवल दिया गया। इसके बाद पोषण ज्ञान और डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन नीति आयोग का है, इसमें जो बिल गेट्स और जो आपका मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और जो सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र है अशोका यूनिवर्सिटी, उसके साथ जो है मिलकर ज्वाइंटली उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है, और इसके आधार पर एक डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत किया है, ठीक है ना। तो जो भी आपका प्रसव पूर्व देखभाल है, जो सप्लीमेंट्री आपके फूड है, किशोर स्वास्थ्य है, आहार में किस तरीके से डाइवर्सिटी लाया जाना चाहिए, किस तरीके से एनीमिया को रोका जाए, तो इन सबको वहां पर एड्रेस किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका जो संकल्प से सिद्धि विलेज और डिजिटल कनेक्ट आपका ड्राइव है, ये आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड बोलते हैं उसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है वन धन विकास केंद्रों को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, ठीक है। तो अगले 100 दिनों में प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव और देश के 1500 गांव शामिल होंगे ऐसा बोला जा रहा है, धीरे धीरे उनको भी इंक्लूसिव बनाया जाएगा। इसके बाद जो आहार क्रांति मिशन है अप्रैल 2021 का, ये यूनियन हेल्थ और जो आपके मिनिस्टर हैं है ना डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया था आहार क्रांति और पोषण के संदर्भ में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो आदर्श वाक्य था उत्तम आहार उत्तम विचार या अच्छा आहार अच्छी अनुभूति, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो ARC की व्यवहारिक समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी फॉर प्रैक्टिकल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू कमेटी ARC है ये आपकी, तो ये लिखा गया है ये आपका एसेट रिव्यू कमेटी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना। तो DRT एक्ट सुना होगा आपने 1993 का, ठीक है ना, तो जो आपका NPS वगैरह है वैसे आप इसको लीजिएगा, तो उसी से संदर्भित आपकी कमेटी ARC का फुल फॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज से रिलेटेड है आपका। ये किसने लॉन्च किया होगा, सीधी बात है RBI ने, ठीक है ना। तो ये आपके जो भी आपकी ARC है ना, जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए जो है 6 मेंबर्स का एक पैनल का गठन किया गया है, और इसकी अध्यक्षता जो है सुदर्शन सेन करेंगे, जो आपके पूर्व कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं, किसके, RBI के। अन्य सदस्यों के नाम देख जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जेंडर संवाद इवेंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का 16 अप्रैल 2021, इसके जो है आपका ये NRLM है और IW जो आपका वेज है उसके बीच का एक जॉइंटली आपका ये इनिशिएटिव है ना। तो ये जो जेंडर रिलेटेड आपका इंटरवेंशन है उससे संदर्भित है, लिंग संबंधी जो हस्तक्षेप है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है इसका उद्देश्य। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो उससे संदर्भित मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें फंड के लिए 945 करोड़ रुपए की बात की गई है, और इसमें जो इंक्यूबेटर्स हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप को सीड फंडिंग, सीड मतलब जो आपका स्टार्टिंग फेज होता है उसमें दिया जाएगा, और इसको अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना। तो 3600 स्टार्टअप को यहां पर समर्थन करने की बात की गई है, ताकि जो है उनको जो है हेल्प किया जा सके, है ना, ताकि वो जो है यहां पर स्टार्टअप से रिलेटेड कल्चर को भी क्या कर सके, मोबिलाइज कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है जनजाति स्वास्थ्य सहयोग जो है आपका अनामाया, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, 7 अप्रैल 2021 को डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी ने, उनने ज्वाइंटली जो इसको लॉन्च किया न्यू दिल्ली से, और ये पहल जो है पिरामल और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसको क्या है समर्थन प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट वन है जो आपका स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी है 22 मार्च 2021 की RBI की है, इसमें 5 सदस्य हैं, इसमें जो RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर है श्यामला गोपीनाथ इसके अध्यक्ष हैं, इसका जो कार्यकाल है 3 वर्ष का है, ठीक है। तो ये जो है आपका नॉर्मल सी चीजें याद रखिएगा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके जो भी आपके आवेदन आए हैं उनको रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया है ना। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
259 मेंबर्स हाई लेवल नेशनल कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 75 साल हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में इस समिति का गठन किया गया और इसका नेतृत्व पीएम करेंगे और इसने अपनी पहली बैठक 2021 8 मार्च को किया था, है ना। तो जो भी कार्यक्रम के निर्माण, उसके लिए नीति निर्देश, दिशा निर्देश जो दिए जाएंगे, है ना, गाइडलाइंस, उससे संदर्भित ये आपका पैनल है। और इसमें जो है आपका नमक सत्याग्रह का ये 91st जो आपकी क्या होगी, वर्षगांठ होगी, तो उसको भी ऐतिहासिक बनाने के लिए जो है इसको जो शुरुआत करने की जो आपकी डेट ली गई है वो उसी से संदर्भित, 12 मार्च 2021 को 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह जो है पहल शुरू की गई है। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना पहले ही देख ली हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और इसमें डीएसटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो डिपार्टमेंट है, उसके केएच जो एचके मित्तल है वो इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें स्टार्टअप जो भी आपका एनवायरमेंट है उसको क्या करना है, इसको जो है आपके सपोर्ट करना है, उसके लिए ये आपके विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए, है ना, जो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है सुपर 75 जो स्कॉलरशिप स्कीम है, जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने लॉन्च किया है, जो आपके मेधावी लड़कियों के लिए यहां पर सुपर 75 स्कॉलरशिप की बात किया गया है, है ना। इसका मूल उद्देश्य जो है वो जो महिलाओं से रिलेटेड शिक्षा और उनको जो है उद्यमशील बनाने के लिए जो है वो क्या करना, उनको हेल्प करना, है ना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना। स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम एचडीएफसी बैंक का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आपकी वरिष्ठ महिला कर्मी होंगी उनको आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं वो प्रदान करेंगी, ठीक है ना। 8 मार्च 2021 को इसको जो है स्टार्ट किया गया था और 8 मार्च विशेष दिन दिए, बताइएगा कौन सा है कमेंट बॉक्स में, और उसी के साथ में ये जो है लॉन्च भी किया गया। इसके बाद माँ बमलेश्वरी देवी जो आपका मंदिर के लिए जो विकास परियोजना है, ये टूरिज्म और कल्चर से रिलेटेड है, ये प्रहलाद सिंह जी जो मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया था, लॉन्च किया छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में, ठीक है ना, उसकी आधारशिला रखा है, ये प्रसाद योजना के अंतर्गत इसको स्वीकृति दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है स्वच्छता सारथी फेलोशिप है इंडियन गवर्नमेंट का, इसके अंतर्गत 1 मार्च 2021 को जो हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है के विजय राघवन, उन्होंने इसकी शुरुआत किया है। तो किस तरीके से जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसमें जो चुनौतियां विद्यमान है उसमें किस तरीके से साइंटिफिक मैनर्स को और सस्टेनेबल जो मैनर्स है उसको हम किस तरीके से अपनाएं, है ना, उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना है, जो नगर निगम के आपके कर्मी हैं, जो छात्र हैं, छात्रा हैं, जो सामुदायिक कार्यकर्ता है ना, उनको जो है किस तरीके से अवेयर किया जाए उससे रिलेटेड प्रोग्राम है आपका। इसके बाद बीमा ज्योति योजना है, ये एलआईसी है, 22 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया ये आपका, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी पॉलिसी धारक हैं उनको सुरक्षा के साथ साथ बचत सेविंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद विकास आशा लोन स्कीम है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की, इसके अंतर्गत जो भी महिला आपकी एंटरप्रेन्योर है उनको यहां पर ऋण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये बचत प्लस प्लान है आपका एलआईसी का, ये 15 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो सुरक्षा और बचत का संयोजन दोनों है इसमें, है ना, नॉर्मल सा किसकी है स्कीम ये याद रखना है। इसके बाद नाग रिवर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको 2 मार्च 2021 को मंजूरी दी गई है और इसमें फंडिंग की बात जो की गई है 2117.54 करोड़ है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये समुद्री स्थानिक योजना है, मार्च 2021 में भारत और नॉर्वे ने अगले 5 वर्षों के लिए जो है वो यहां पर समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में ज्वाइंटली काम करेंगे, उसमें यहां पर कंसेंट दिया है, ठीक है। तो ये भारत नॉर्वे जो एकीकृत महासागर इनिशिएटिव था उसी के अंतर्गत ये एमओयू साइन किया गया, इंटीग्रेटेड जो ओशियन इनिशिएटिव था नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी योजना है राजस्थान गवर्नमेंट की है, इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रखे जाने की घोषणा किया है अब 18 मार्च 2021 को अशोक गहलोत जो सीएम है वहां के। तो यहां पर प्रतिवर्ष जो है 5 लाख रुपए दिया जाएगा समस्त फैमिलीज को, जहां पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद समर प्रोजेक्ट है आपका झारखंड जो इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, ये अगले 3 वर्षों के लिए स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत एडिक्वेट और जो न्यूट्रिशनल फूड है वो प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में यहां पर वृद्धि करना है। इसके बाद गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का है, इसको 19 फरवरी 2021 को नितिन गडकरी जी ने स्टार्ट किया था। भारत में जो आपका अखिल भारतीय स्तर पर अवेयरनेस पैदा करना है, इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके विश्वास को बढ़ावा मिलेगा और लोग फिर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अडेप्ट भी कर सकेंगे, ठीक है। समग्र मिशन इंद्रधनुष जो है 3.0 है, यूनियन मिनिस्ट्री जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसने स्टार्ट किया है। और इसमें जो भी आपकी COVID-19 जो पैंडेमिक है उसके दौरान नियमित टीकाकरण में जो छूट गए हैं बच्चे या जो भी गर्भवती महिलाएं उनको कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है ना, जो छूट गए हैं आपके इम्यूनाइजेशन से। इसके बाद जो जल शक्ति अभियान है कैच द रेन जो आपका प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का है, इसमें विश्व जल दिवस जो है आपका उसके अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है, बताइएगा ये कब है आपका, ठीक है ना, 22 मार्च है कि 24 मार्च है, बताइएगा जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स में।
तो याद रखिएगा, ये जो आपका विश्व जल दिवस होता है वो 22 मार्च को होता है, ठीक है ना। तो उसी दिन इसको लॉन्च किया गया, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जहां भी संभव हो वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या करना है, मतलब जो है प्रमोट करना है, कलेक्ट करना है रेन वाटर को। इसके बाद रिहैब प्रोजेक्ट है, केवीआईसी का है, ये जो मैन और एलिफेंट मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए जो है मधुमक्खी बाड़ बनाने के लिए एक अनूठी परियोजना की शुरुआत किया गया है। इसके बाद महासमृद्धि आपकी महिला सशक्तिकरण योजना है, ये वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 8 मार्च 2021 को लॉन्च की गई, रूरल एरिया में जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन है, जिसको सार्थक बोला जा रहा है, शुरुआत अप्रैल 2021 है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो भी शिक्षा और साक्षरता विभाग है उसने स्कूली शिक्षा के लिए एक जो गाइडलाइंस है ना, वो जो है यहां पर क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है ना। और गुणवत्तापूर्ण मतलब जो शिक्षा को यहां पर फोकस किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है आपका कि बताया जा रहा है कि मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना है ना, मित्रा स्कीम है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें एम क्या है, तो ग्लोबली कंपेटेटिव बनाना, अट्रैक्ट करना लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को, बूस्ट करना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट को भी, ठीक है ना। तो ये जो है 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क भी इसके अंतर्गत क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहां पर जो है वो वैश्विक स्तर पर क्वालिटेटिव मैनर में जो है वो यहां पर स्थापित किया जाएगा, तभी तो ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस आया जाएगा। बाद मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना है दिल्ली कैबिनेट की, इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 जो भी आपके मेधावी छात्र हैं उनको साइंस के अंतर्गत स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ₹5000 प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, पायलट पे जल सर्वेक्षण है आपका, जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत है आपका ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स इसमें जो है उसने लॉन्च किया है, इसमें 10 शहरों पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसको लॉन्च किया है, आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चुरू, कोच्ची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर में। तो इसमें जो है यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है पानी की, है ना, और पानी की मात्रा और गुणवत्ता की भी बात की गई है, और इसमें पर जो अपशिष्ट जल है तो उसके निपटान की भी व्यवस्था कैसे किया जाएगा और उसकी मैपिंग के लिए भी जो है बात की गई है कि उसका रीयूज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स रिपोर्ट है आपकी, ये आपका DPIIT के द्वारा किया गया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किया है, ठीक है। इसमें जो 4 राज्य हैं, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, ठीक है ना, तो उसके संदर्भ में इसको लाया गया है, ठीक है। और इसमें जो है राज्यों की कुल संख्या जो अब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जिन्होंने सुधार किए हैं 12 हो गई है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, MP, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है वो आपका। इसके बाद राज क्विक सक्षम एंड समर्थ स्कीम राजस्थान की है, ये 3 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई है, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ये आपकी, है ना, ठीक है। इसमें सभी वर्गों को जो है स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना है, जो भी आपके यूथ हैं, ठीक है। इसके बाद जो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है, पंजाब गवर्नमेंट का है, वहां के CM अमरिंदर सिंह ने इनको लॉन्च किया था। यहां पर 2022 तक जो भी आपके रूरल में जो भी आपके घर हैं, है ना, वहां पर 100% जो है कनेक्शन की बात की गई है, है ना, पानी के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद सांस अभियान है आपका, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया, ये MP गवर्नमेंट का है, वहां के जो आपके मंत्री हैं डॉक्टर प्रभु राम चौधरी, उन्होंने न्यूमोनिया के कारण जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से इसको जो है लॉन्च किया है, एक तरीके का अवेयरनेस कैंपेन है आपका 5 फरवरी 2021 को। इसके बाद लखवाड़ बिजली परियोजना है, ये यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का है, और 4 फरवरी 2021 को पर्यावरण मंत्रालय ने यमुना नदी पर लखवाड़ परियोजना को क्या दिया है, मंजूरी दिया है। इसमें जो आपका सिंचाई और शुद्ध पेयजल भी इसमें प्राप्त होगा बिजली उत्पादन के अलावा 6 राज्यों को, UK है इसमें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद फर्स्ट CSR पॉलिसी है, झारखंड गवर्नमेंट की है, और ये जो है इसको मंजूरी दी गई फरवरी 2020 में। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, सिविल सोसाइटी और भी जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच यहां पर पार्टिसिपेशन होगा, और उसके अनुसार यहां पर प्रायोरिटीज डिसाइड की जाएंगी, और फिर जो भी एक्टिविटीज हैं उनको सुव्यवस्थित रूप में उनको संचालित किया जाएगा। इसके बाद जो बौद्धिक संपदा अधिकार योजना, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन योजना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, वहां के जो आपके CM है उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, बौद्धिक संपदा जो राइट्स हैं और जो आपका गुणवत्ता परीक्षण जो आपके सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसके लिए जो पंजीयन होता है उनके लिए स्टार्टअप्स को क्या दिया जाएगा, यहां पर फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके बाद कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ऑन फ्लड फोरकास्टिंग, JNK का है ये आपका, 12 फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो ये है आपका आती है। इसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है UP गवर्नमेंट की, 15 फरवरी 2021 को यहां के CM ने लॉन्च किया था, जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें निःशुल्क तैयारी के लिए जो है ये लॉन्च की गई है, और अभी 18 मंडलों में जो UP के हैं इसको स्टार्ट किया गया है, और उसके अंतर्गत अभ्युदय कोचिंग स्टार्ट की गई है। माँ स्कीम जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है, डिजिटल तरीके से जो है माँ स्कीम को लॉन्च किया गया है, शुभारंभ किया गया 15 फरवरी 2021 को ममता बनर्जी के द्वारा। इसके अंतर्गत जो भी आपके निर्धन
जन लोग हैं उनको ₹5 में किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद केरल ज्ञान मिशन है आपका, केरला गवर्नमेंट का, 9 फरवरी 2021 को जो पिनराई विजयन है उन्होंने शिक्षित युवा वर्ग में जो भी आपके कौशल सुधार के अंतर्गत इसको कौशल सुधार के अंतर्गत जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो वहां पर क्या करना है केरल राज्य को, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए इसको किया गया है। इसके बाद रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है आपका ओडिशा गवर्नमेंट का, इसके अंतर्गत जो है आपका जल प्रबंधन और उन्नत फसल क्षेत्र सुनिश्चित करना है ना, वही वाटर कंजर्वेशन की बात है इफिशियंट मैनर में, और इंप्रूव करना है क्रॉपिंग एरिया को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका पुगलर त्रिशूर HVDC परियोजना है भारत गवर्नमेंट की, है ना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की, 19 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया। 320 KV 2000 मेगावाट की पुगलूर जो परियोजना है कहां की, तमिलनाडु त्रिशूर केरला, है ना, HVDC, है ना, दोनों का नाम याद रखिएगा। ये जो भी हमारे राज्य में जो बिजली की बढ़ती जरूरतें हैं उसका सामना करने के लिए जो है यहां पर जो है इसको लॉन्च किया गया है, और ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है उसमें भी ये आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके बाद सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है पंजाब का है, इसके अंतर्गत गांव के प्रत्येक घरों में पाइप से जलापूर्ति करने की व्यवस्था की जाएगी, है ना। इसको 16 फरवरी 2021 को जो है लॉन्च किया गया। ये सोलर बेस्ड आपकी वाटर सप्लाई सिस्टम है, जालंधर जिले के जो जगरावन मुरादपुरा तलवाड़ा गांव में इसकी स्टार्ट किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना केरला गवर्नमेंट की है, इसमें जो है एकीकृत जो है इंटीग्रेटेड बेस्ड शहरी उत्थान और जल परिवहन प्रणाली जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पर अत्याधुनिक नौकाओं का यूज किया जाएगा ताकि जहां पर वहां पर जो आसपास के आइलैंड है वहां पर उसको जोड़ा जा सके। किस परियोजना में, कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट और टर्मिनल भवन, है ना, उसके संदर्भ में उसका उद्घाटन भी किया गया है। इसके बाद ई कुबेर भुगतान प्रणाली JNK की है, इसमें 18 फरवरी 2021 को औपचारिक मतलब फॉर्मल रूप में RBI ने जो है इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये जो पहला UTB बन गया है आपका, इसी के साथ JNK इसको लॉन्च करने वाला। इसके बाद आर्थिक जो आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है नेस्थम, है ना, लोक कल्याणकारी आपकी योजना है EBC नेस्थम, है ना, उसको लॉन्च किया है किसने, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 23 फरवरी 2021 को। तो जो आपके EWS वाले हैं, EBC जो बोल रहे हैं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उसके लिए ये योजना है, उनको जो है उनकी जो महिलाएं हैं पिछड़ा वर्ग की, जो आर्थिक रूप से जो आपकी पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। 3 वर्ष की योजना के लिए 45 से 60 वर्ष की महिलाओं को ₹15,000 जो है एनुअली जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके बाद नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है आपका, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है इसमें, और आपका मीटी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वाली जो आपकी मिनिस्ट्री है, उनके दोनों के जॉइंटली इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत जो है आपका क्या किया जाएगा, शहरों और नगरों को, है ना, समग्र समर्थन दिया जाएगा पीपल्स प्रोसेस और प्लेटफॉर्म, जैसे बेसिक 3 पिलर्स पे काम किया जाएगा ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर डेवलप किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है आपका, ये आपका लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के लिए जो संरक्षण की समिति है, है ना, उससे संदर्भित है। तो ये आपके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम किशन रेड्डी, उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, और इसके अंतर्गत वहां की भाषा संस्कृति और भूमि की संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका एडा ने जो स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए एक पैनल बनाया है, उसका गठन किया है, ठीक है ना, एडा ने किया है, नॉर्मल है। इसकी जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद खुटिया करेंगे, ठीक है ना, और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। तो जो भी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपका इंश्योरेंस है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी उपलब्धता, उनकी जो क्वालिटी है, उसके संदर्भ में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, तो उसके लिए आपकी क्या देगी, सिफारिश करेगी। इसके बाद आपके श्रम शक्ति पोर्टल है, इंपॉर्टेंट है, ये जो मिनिस्टर है आपके ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड अर्जुन मुंडा, उन्होंने लॉन्च किया है, पंजिम गोवा में एक कार्यक्रम था उसके दौरान, तो प्रवासी श्रमिकों के लिए है ये आपका, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, पहले भी देख लिया हमने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है ना, तो और ये रेपिटेशन है, हमने पहले भी देख लिया इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारा, ये आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, स्वनिधि जिसको बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज दिया जाएगा, उसी के अंतर्गत जो इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो सिडबी भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका औद्योगिकी विकास के लिए जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ये इकोनॉमिक जो अफेयर्स से रिलेटेड आपकी कैबिनेट कमेटी उसने लॉन्च किया है, ये कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए है, ठीक है ना, तो उद्योग और आपका आंतरिक संवर्धन विभाग के केंद्रीय क्षेत्र की ये आपकी योजना है, ठीक है ना। तो इसको जो है आपके 2037 तक के लिए जो है इसको दिया गया है मंजूरी, और 28,400 करोड़ रुपए का इसमें बात की गई है फंडिंग की। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, डेवलपमेंट की है ना, और नए निवेश को आकर्षित कैसे किया जाए, वर्तमान निवेशों को जो है किस तरीके से और डेवलप किया जाए, किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, है ना, JNK में किस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाया जाए, है ना, तो उससे संदर्भित है आपका ये, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन है महिला जागरूकता अभियान सम्मान,
तो एमपी के जो आपके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है 11 जनवरी 2021 को। इसमें महिला जागरूकता से रिलेटेड जो है प्रावधान जो है वो वहां पर अपनाए जाएंगे, उनको जो है उसके संदर्भ में अवेयरनेस दिया जाएगा, ऐसा जो है उनके संदर्भ में वैसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। तो ये गणतंत्र दिवस में जो है लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका ट्रांस है, जो ट्रांस नेशनल मतलब पारदेशी छात्रवृत्ति योजना है 2020 की, झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। और ये जो भी आपकी छात्रवृत्ति योजना है ना, जो युवाओं को राज्य एवं देश में, देश के निर्माण में है ना अपनी भूमिका निभाने के लिए ये आपका अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है पंजाब एकमुश्त निपटान योजना है, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है आपका इस योजना के अंतर्गत व्यापारी जो अपना लंबित बकाया है उनका, जो अभी एबल नहीं है, तो उनका भुगतान और निपटारा करने में सक्षम बन सकेंगे, है ना। कोविड के कारण बहुत सारे लोग उससे अफेक्टेड हुए। इसके बाद वन स्कूल वन आईएएस योजना है आपका, ये केरल गवर्नमेंट का है। 16 जनवरी 2021 को जो वहां के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने राज्य के 10,000 जो भी आपके इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन मतलब जो स्टूडेंट हैं लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको मुफ्त में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं और अन्य जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए कोचिंग देने के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए शुभारंभ किया गया है इसकी। इसके बाद कंजर्वेशन कैपेसिटी फेस्टिवल सक्षम 2021 है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो आपके कंज्यूमर हैं उनको ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो क्या करना है, प्रेरित करना है, कैटलाइज करना है, उनको मोटिवेट करना है, ताकि वो जो है ग्रीन जो भी आपके फ्यूल्स हैं है ना, जो आपके एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको अपना सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है दिल्ली मेरठ आईआरटीएस परियोजना है, ये जो आपका एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन परिवहन निगम, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके जो इस इन पटरियों का जो आपका उपयोग है, सर्वप्रथम उपयोग वो आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के अंतर्गत साहिबाबाद दुआई खंड पर किया जाएगा, जिसमें इंडिजिनियसली डिजाइन की गई जो आपके बलास्टलेस ट्रैक्स हैं उनका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। देश की प्रथम ये आपकी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद जो 1.9 ट्रिलियन डॉलर की योजना है अमेरिका के द्वारा लाई गई है, जो बिडेन ने इसकी घोषणा की है, ये कोविड 19 से जो आपकी देश की अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका, यूनियन कैबिनेट ने जो है इसको लॉन्च किया है, ये पनबिजली परियोजना है, ठीक है। 850 मेगावाट की है ये आपकी पनबिजली, कहां की, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर क्या है निर्मित की गई है, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको भी ये संतुलन प्रदान करेगी, वहां पर भी हेल्प करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ओमान में सोलर प्रोजेक्ट है आपका, ये स्टर्लिंग और विल्सन सोलर लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है 27 जनवरी 2021 को, वहां पर 25 मेगावाट की ये जो परियोजना है वो स्टार्ट की गई है। इसके आधार पर बिजली परियोजनाओं के माध्यम से वो अपने बिजली उत्पादन क्षमता को वहां से क्या करेगा, कैटलाइज कर सकेगा, बढ़ा सकेगा ओमन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है नई स्कूल बैग नीति है दिल्ली गवर्नमेंट की, ये जो है इसके अंतर्गत जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके संदर्भ में इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, जिसको शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में नोटिफाई किया था, तो उसी के अनुसार सिंक्रनाइज करके इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें छात्रों के स्कूल के बैग को के बोझ को कम करना है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये बाल हृदय योजना है बिहार गवर्नमेंट की, ये बिहार गवर्नमेंट ने 5 जनवरी 2021 को जो है इसको लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो हार्ट वगैरह में आपके होल वगैरह होता है उसके साथ जो जन्म लेते हैं बच्चे, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना है, ये एनसीआर रीजन की है, अभी देख भी चुके हैं हम लोग, वही है आपका रेपिटेशन है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आयु संवाद योजना है आपका, अभियान है, कैंपेन है एक तरीके का, ये एम्स दिल्ली के द्वारा जो लॉन्च किया गया है 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य, इसका जो आपका उद्देश्य था, तो इसमें जो विषय था, विषय के बारे में जो भी आपका आयुष वगैरह है, तो उसके अंतर्गत किस तरीके से कोविड में भी उसका यूज किया जा सकता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये आपका जो है ये लॉन्च किया गया था, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी है ना, उसके अंतर्गत लाया गया ये आपका, ठीक है। तो अवेयरनेस बताना था कि आयुष से किस तरीके से जो है इससे पार पाया जा सकता है। इसके बाद पंख अभियान है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही इसको जो है लॉन्च किया गया 24 जनवरी 2021 को, ठीक है ना। तो इसमें स्वास्थ्य शिक्षा है ना, उनकी सुरक्षा एम्पावरमेंट की बात की जाएगी, जो भी आपकी क्या है महिलाएं हैं किशोरी हैं उनके संदर्भ में। इसके बाद नेशन वाइड पल्स पोलियो कैंपेन है, ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया है, और कोविंद जी ने लॉन्च किया है, और ये जो है 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है खुराक पिलाकर जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है, और 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। इसके बाद इंडस्ट्री मंथन 2021 है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का, इसके अंतर्गत वोकल फॉर लोकल को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, वही सीधी बात है आत्मनिर्भर जो भारत है उसके दृष्टिकोण को साकार करना है। इसमें प्रोडक्टिविटी की बात की गई है और क्वालिटी की है ना, उसके लिए ये आपका वेबिनार मैराथन जो है वो ये जो है आयोजित किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है किसान कल्याण मिशन है यूपी का, 6 जनवरी 2021 को लॉन्च किया यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। इसके द्वारा किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि के अंतर्गत नई टेक्नोलॉजीज को एम्बेडेड करना है,
है ना, और सरकारी योजनाओं की जो है जानकारी उन तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर जो पॉलिसी है 2021 यूपी गवर्नमेंट की है, इसमें जो है इसको 25 जनवरी 2021 को अप्रूवल मिला है। इसके अंतर्गत 3 जो है वो डेटा पार्क्स और 10 डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना से लगभग 4000 लोगों को डायरेक्ट और 10000 से 20000 लोगों को इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है, एम सैंड पॉलिसी 2020 की राजस्थान गवर्नमेंट की है, 25 जनवरी 2021 को वहां के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया। इसके अंतर्गत जो एम सैंड है उसके यूज को और उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। इसके बाद आयरन ओर पॉलिसी 2021 इंडियन रेलवे की है, इसके अंतर्गत जो भी बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का जो आपका रेगुलेशन था उसके लिए ये नीति लाई गई है, है ना। इसके बाद आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट की है, ठीक है, और ये एक तरीके की स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसको 30 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया। आयुष्मान सीएपीएफ योजना है होम मिनिस्ट्री की और अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है गुवाहाटी असम में, और ये आपकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों और उन पर जो आश्रित लोग हैं उनके फैमिलीज के लोग उनके लिए स्टार्ट किया गया है, उनको जो है ई हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, है ना, ठीक है। जो इसके बाद जो है आपका ये नेक्स्ट है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट का है, 20 जनवरी 2021 को अपने पड़ोसी देशी को जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। मालदीव भूटान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका म्यांमार मॉरिशस और सेशल्स को इसके अंतर्गत वैक्सीन दी गई है। ठेला बैंक कैंपेन है लखनऊ नगर निगम का, इसके अंतर्गत जनवरी 2021 में जो है शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। जेल पर्यटन इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, यरवड़ा जेल से स्टार्ट किया गया है, 150 साल पुरानी है ये आपकी, है ना, ऐतिहासिक जेलों को निकट से देखने के लिए जो है सुविधा प्रदान करेगा आपका ये, ठीक है। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का थर्ड एडिशन है 3.0, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका कौशल के साथ साथ भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 15 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया तीसरे चरण को। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारा ये आपका AIPA समिति का गठन हुआ है दिसंबर 2020 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। इसके अंतर्गत 17 सदस्यीय समिति है, उसमें केंद्र सरकार के 13 प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। इसमें जो है आपके जो समिति के प्रमुख होंगे वो MOEFCC के जो सचिव है आरपी गुप्ता और अतिरिक्त सचिव जो है आपके रविशंकर प्रसाद वो इसके उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। तो जो भी पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत जो हमारे दायित्व है उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़े उसके अंतर्गत जो भी आपकी सहायता है उसके उद्देश्य से इसको जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है सहकार प्रज्ञा पहल है, ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको लॉन्च किया है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ये आपकी एक पहल है। इसके अंतर्गत 45 नए जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल रेडी किए गए हैं, उसके अंतर्गत प्राथमिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके प्राइमरी कोऑपरेटिव जो कमिटीज हैं उनको स्किल दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें देखिए फिर आत्मनिर्भर भारत पहल में ये जो है एक बड़ी भूमिका निभाएगा, हर जगह जो है वही बातें की जा रही है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूट किया गया हाई लेवल कमेटी एक केंद्र सरकार ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125th नंबर की जयंती है उसके संदर्भ में। इस समिति का जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे, तो गृह मंत्री श्री अमित शाह करेंगे और उनको श्रद्धांजलि और आभार प्रकट करने के लिए 23 जनवरी 2021 से जो है एक साल के लिए जो है ये स्मरणोत्सव जो है वो उसकी जो गतिविधि है उस पर ये आपकी फैसला लेगी जो ये कमेटी बनाई गई है। इसके बाद आयुष्मान भारत है, केंद्र सरकार की है ये आपकी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्ट किया गया है ना, सेहत योजना बोला जाता है इसको। सेहत का पूरा नाम सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है जेएनके के सभी निवासियों के लिए जो है यूनिवर्सल जो है हेल्थ बीमा कवरेज देना है, ठीक है ना। इसके बाद वरासत अभियान है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, ये 15 दिसंबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में जो एसेट्स हैं और जो भूमि से रिलेटेड आपके विवाद है उसको रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो भू माफिया के द्वारा जो उत्तराधिकारियों पर जो शोषण एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसको समाप्त किया जा सके। इसके बाद मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक एक्शन फोर्स जो है वो सेटअप किया गया है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, और इसमें अमित खरे जी जो है वो जो सचिव है उच्च शिक्षा के इसके अध्यक्ष बने हैं, और इसके अंतर्गत जो टेक्निकल एजुकेशन है वो आपको मातृभाषा में दिया जाए उसके लिए रोड मैप बनाया जाएगा, उसी के लिए जो है उसी के उद्देश्य से इस जो एक्शन फोर्स जो टास्क फोर्स है उसको कार्यबल को गठित किया गया। इसके बाद निर्यात नीति उत्तर प्रदेश की जो 2020-25 के लिए है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का है, इसके अंतर्गत जो है निर्यात को बढ़ावा देना, किस तरीके से जो है वहां पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, कौन सी आवश्यक सहायता उनको दिया जाना चाहिए, है ना, तकनीकी आधार पर फिजिकली जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थापना डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो पूरा एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वहां पर असिस्टेंस दिया जाएगा इसके अंतर्गत। इसके बाद जो है पाठशाला की पौधशाला योजना, यह एमपी का जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया दिसंबर 2020 में, वहां के जो वन मंत्री हैं कुंवर विजय शाह उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य जो आपकी यूथ है उसके अंतर्गत पौधा रोपण प्लांटेशन से रिलेटेड अवेयरनेस
फैलाया जाए, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद रिकॉग्निशन स्कीम फॉर हाइजीन रेटिंग एजेंसी है, ये आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है 15 दिसंबर 2020 को, भारतीय खाद्य संरक्षा और जो मानक प्राधिकरण है उसकी तरफ से देश में मान्यता प्राप्त जो हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियां उसकी संख्या में वृद्धि करके है ना, इस एजेंसी की जो आपकी हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी है उसके लिए मान्यता योजना की शुरुआत किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो स्टैंडर्ड्स में सुधार लाया जाएगा, जो खान पीन के जो आपके व्यवसाय हैं तो उनको अवेयरनेस दिया जाएगा, उनको मतलब मोटिवेट किया जाएगा कि जो भी है वहां पर वो आपको क्या करे, हाइजीन का पूरा पालन करे वैसे स्टैंडर्ड्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है अम्मा जो मिनी क्लिनिक है योजना, तमिलनाडु गवर्नमेंट की है, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। 14 दिसंबर 2020 को वहां के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। नेशनल रेल प्लान है इंडियन रेलवे का, ये 2021 तक जो है इसको अंतिम रूप प्रदान करना है। इसके द्वारा जो माल भाड़ा वगैरह है ना, और उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसकी जो क्षमता है, उसमें जो लूप होल्स है, जो कमी है, उसको दूर करना है और वहां पर रिफॉर्म करना है। इसके बाद जो आपका नव रत्नालू जो है आपका पेडा लैंडार की इल्लू कार्यक्रम आंध्र गवर्नमेंट का है, वहां के जो आपके चीफ मिनिस्टर है रेड्डी जी, जगमोहन रेड्डी जी वाईएस, 25 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया उन्होंने, ठीक है ना। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने जो 28.30 है ना, मतलब देखिए यहां पर जो है इतने घरों का निर्माण करेंगे वो, है ना, ये आपके घर निर्माण से रिलेटेड है, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो है आपका इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट वन है वो ट्राइब्स इंडिया के जो नए आउटलेट का शुभारंभ किया गया है उससे रिलेटेड, अर्जुन मुंडा जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये संगठन जो भी आदिवासी कारीगर है उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, है ना, उसके बारे में है ये आपका। और इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये जगन्ना जीवा क्रांति है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, 10 दिसंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहां लाभार्थियों को भेड़ और बकरियों का वितरण किया जाएगा, है ना, भेड़ बकरी का वितरण किया जाएगा। आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इसके अंतर्गत 0.50% की जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसकी जो रियायत पर ऋण दिया जा रहा है महिलाओं को, ठीक है ना, महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड है। इसके बाद जो है आपका ये किसान फसल राहत योजना है झारखंड गवर्नमेंट का, इसका जो आपका उद्देश्य है कि नेचुरल कैलामिटीज वगैरह के कारण जो आपका क्षति हो जाती है फसल के संदर्भ में, तो उसमें किसानों को असिस्टेंस दिया जाना, ये योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर शुरू की गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। गुजरात सौर ऊर्जा नीति है गुजरात गवर्नमेंट की है, इसके अंतर्गत राज्य में सौर परियोजना स्थापित करना, ठीक है ना, किसी भी क्षमता सीमा को निरस्त करते हुए जो भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनकी बिजली लागत को जो है 50% तक कम करना है, उसके लिए ये जो है आपकी योजना लॉन्च की गई है 29 दिसंबर 2020 को गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। डेटा पॉलिसी जो है पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, 30 दिसंबर 2020 को अप्रूवल दिया है, इसके द्वारा जो भी सर्विस दी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उन तक आम नागरिकों की पहुंच को एडेप्टिव बनाना है इसका उद्देश्य। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है योजना का नाम जो है आपका इंडिया फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, पीने के पानी, ग्रीन एनर्जी और टूरिज्म, इसको जो है समन्वित रूप में जो है डिजाइन किया गया है इस योजना को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया 6 नवंबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है उसके जो लोअर आपके 39 विलेजेस हैं वहां पर 17,480 लोगों को क्या करना है, पीने का पानी प्रदान करना है। इसकी जो लागत है वो 28.50 करोड़ रुपीज है। इसके बाद ट्रांसजेंडर जो पीपल्स हैं उनके लिए नेशनल पोर्टल ई लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत है, तो जो हमारे मंत्री हैं है ना श्री थावरचंद गहलोत, उन्होंने लॉन्च किया है। गुजरात के वडोदरा में है ना एक गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया है, ठीक है ना, ये आपका ट्रांसजेंडर से रिलेटेड पोर्टल है। नेक्स्ट जो है हमारा कलई जो आपका गनर एम करुणा नदी जलपान योजना है यूटी जो पुडुचेरी की वहां पर लॉन्च किया गया है, इसमें सरकारी और सहायता प्राप्त जो आपके संस्थान है उनको उनके लगभग 80,000 छात्रों को यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रोजेक्ट एयर केयर है हरियाणा गवर्नमेंट का है, ये गुड़गांव में जो बढ़ता एयर पॉल्यूशन है उससे निपटने के लिए इसको किया गया है ना लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका ये मानसर जो आपकी लेक रीजनोवेशन डेवलपमेंट प्लान है, ये सेंट्रल जो आपके स्टेट मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो ये उस झील का कायाकल्प करना है उससे रिलेटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी योजना है जिसका ई शिलान्यास अभी किया गया है 1 नवंबर 2020 को। इसके बाद लुहरी जल विद्युत परियोजना है, ये आपकी कैबिनेट कमेटी जो है आपकी है ना आर्थिक मामलों के उससे रिलेटेड जो आपकी कैबिनेट कमेटी है ऑन अफेयर्स जो लिखा गया है उसने लॉन्च किया है, और ये आपका 4 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत जो भी आपका राइजिंग हिमालय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान हिमाचल प्रदेश के जो आपकी गवर्नमेंट है प्रदेश की सरकार है उसके साथ एमओयू साइन किया गया है, इसके अंतर्गत ये जो परियोजना है सतलज नदी से रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। इसमें भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश जो है दोनों जो है वो भागीदार है।
ठीक है। इसके बाद जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, राजस्थान गवर्नमेंट का है, ये आपका स्तनपान जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं हैं, माताएं और 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है, इसका क्या है लक्ष्य है। 19 नवंबर 2020 को अशोक गहलोत ने इसको जो है उन्होंने लॉन्च किया था। इसके बाद फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है, 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। तो कुपोषण से मतलब नियंत्रण के लिए, कुपोषण से पार पाने के लिए और पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो महिला जागरूकता अभियान सम्मान है, ये एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया गया है। 2 मुख्य नारे दिए, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से एवं असली हीरो हैं, है ना। तो इसके शुभंकर गुड्डी हैं और इसमें जो महिला अपराध है उसके उन्मूलन के संदर्भ में समाज को भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना चाहिए और उनको जो है सम्मान दिया जाना चाहिए और महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो है एडेप्टिव सोसाइटी जो है, वैसा इकोसिस्टम जो है, वैसा एनवायरमेंट जो है रेडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन जो है आपकी आयुष्मान सहकार योजना है, इसमें कॉपरेटिव्स जो है आपकी कमिटीज उनकी उनको किस तरीके से जो है मोबिलाइज किया जाए, उनकी भूमिका जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस तरीके से जो है बढ़ाई जाए उसके संदर्भ में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया, जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है परोत्तम रूपाला जी, और उन्होंने बोला कि एनसीडीसी जो है 10,000 करोड़ रुपए तक का आवधिक लोन भी प्रोवाइड कराएगा आने वाले टाइम पर। इसके बाद लाइफ इन मिनिएचर परियोजना है, ये मिनिस्ट्री कल्चर ऑफ जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है यूनियन का, उसके द्वारा किया गया है। इसके द्वारा जो है गूगल जो अब ये परियोजना राष्ट्रीय जो संग्रहालय है हमारा और गूगल आर्ट्स और कल्चर उसके बीच में जो है ये कॉपरेशन है, उसके लिए जो साझेदारी हुई थी वो आपकी 2011 में की गई थी, है ना। लाइफ इन मिनिएचर जो है प्रोजेक्ट है ये आपका, ठीक है। इसके बाद YSR इंश्योरेंस स्कीम है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया, जगमोहन रेड्डी जी ने। इसके अंतर्गत प्रीमियम दिया जाएगा प्रतिवर्ष, जो राज्य सरकार जो है वो 510 करोड़ रुपए का भुगतान करके वित्त पोषित करेगी, है ना। तो इसमें बीपीएल जो परिवार है उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 1.41 करोड़ रुपए का, इस योजना के तहत टोटल बात किया जा रहा है यहां पर ये। इसके बाद इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर जो विलेज स्कीम है, ये जो आपके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है ना, देहरादून जिले का डोई वाला नगर जो है वहां से। इसमें किसानों की इकोनॉमिक स्टेटस को स्ट्रेंथन करना है और उनकी आय को इनकम को डबल करना है। ऑपरेशन मेरी सहेली जो है आपका, ये आपका साउथ जो आपका ईस्ट रेलवे है उसने लॉन्च किया है, ठीक है ना, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है ये पश्चिमी रेलवे जोन द्वारा 2 ट्रेनों में भी इसको शुरू किया गया था, ट्रेनों में जो है महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसके बाद नेक्स्ट वन है वो रायथू वेदिका योजना है, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इसको लॉन्च किया है 31 अक्टूबर 2020 को। इसके अंतर्गत किसानों को जो मूल्य है ना, जो भी उनके प्रोडक्ट्स है उनका बेहतर मूल्य मिल सके, ठीक है ना, उसमें इसको हेल्प किया जाएगा, है ना। रायथू वैसे भी मंडी का नाम था, आप लोगों को पता भी होगा। इसके बाद स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री केपी अनबलगन ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया जा रहा है 80,000 सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार के द्वारा, वहां पर अच्छी शिक्षा और उसके अंतर्गत बेहतर शिक्षण वातावरण जो है वो प्रदान किया जाएगा और इसमें डिजिटल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। इसके अंतर्गत अब तक 1104 किलोमीटर जो है आपका सड़कों का निर्माण किया जा चुका है ना राज्य ने इसके अंतर्गत, है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है PMGSY के तहत सड़क निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को जो है आपका दूसरा स्थान दिया गया है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दूसरा स्थान दिया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है वित्तीय समावेशन पहल ग्राम संपर्क अभियान जो है वो पीएनबी द्वारा लॉन्च किया गया, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए है आपका, है ना। और देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए दिए और उससे रिलेटेड एजुकेशन के लिए ये आपका एक पहल है, ठीक है। ये भी आत्मनिर्भर भारत को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये 4 मुख्य इसमें सब्जेक्ट है, डिजिटल क्रेडिट, सोशल सिक्योरिटी और ये फाइनेंशियल एजुकेशन पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके बाद सुनिधि प्रोजेक्ट है, भुवनेश्वर स्थित डिजास्टर रिकवरी सेंटर के साथ जो हैदराबाद में आपका सिचुएटेड डेटा सेंटर है उसके द्वारा किया गया है। 2 अक्टूबर 2020 को 151वीं जो आपकी जयंती थी, है ना, गांधी जी के, उस पर कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने जो है इसको लॉन्च किया है, है ना, एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट सुनिधि जो है लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो पेंशन संबंधी जो भी एक्टिविटीज है उनको डिजिटलाइज करना है, उसके लिए लॉन्च किया गया। इसके बाद स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना है, ये आपके चंद्रपुर में जो आपका कामरूप मेट्रो जिले का चंद्रपुर है, वहां पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया गया है, है ना। वहां के जो आपके क्या है मुख्यमंत्री है असम के सर्बानंद सोनोवाल, 8 अक्टूबर 2020 को उन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो आपकी वल्नरेबल ग्रुप्स की महिलाएं हैं उनको एम्पावर्ड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कपिला कलाम कार्यक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसके अंतर्गत नेशनल
लेवल पे राष्ट्रीय नवाचार दिवस पर जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये पहल स्टार्ट की गई है। इसमें जो भी आईपीआर से रिलेटेड आपकी लिटरेसी है उसके उससे रिलेटेड जो आपकी अवेयरनेस है उसको फैलाया जाएगा, उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है 15 अक्टूबर 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना जो है गुजरात सरकार ने तापी जिले के दोसवाड़ा में लॉन्च किया है, है ना। यह विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना है जो 2020 14 अक्टूबर को लॉन्च की गई। जगन्ना जो आपका विद्या कनका योजना है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है, ये इसका उद्देश्य जो है जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनकी इनरोलमेंट में सुधार करना है और क्वालिटी में क्या करना है इनहेंसमेंट करना है। वहां के सीएम ने इसको लॉन्च किया है 8 अक्टूबर 2020 को। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 8 अक्टूबर 2020 को वहां के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। इसके अंतर्गत लगभग 10,000 जो यूथ हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या करना है प्रोवाइड कराना है, उसमें असिस्टेंस देना है। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट की है आपकी जो आपकी मेस परचेज पॉलिसी है अप्रूव हो गई है खरीफ मार्केटिंग ईयर 2020-21 के लिए। तो ये जो अवधि है 17 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 निर्धारित थी इसमें, तो जो यहाँ की आपके मंत्रिमंडल है उसने इसको क्या कर दी है मंजूरी दे दी है और इसमें जो मक्के का जो एमएसपी है वो 1850 रुपए पर क्विंटल जो है निर्धारित किया गया है। इसके बाद रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली गवर्नमेंट का है, इसको वहां के जो सीएम है केजरीवाल उन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को प्रदूषण रोधी अभियान के रूप में इसको स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत जो है प्रदूषण को रोका जाएगा अपितु जो पर व्हीकल की बात की जा रही है वो बोला जा रहा है कि 7,000 रुपए तक की बचत भी की जाएगी, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है आपका पोल्यूशन को कम करने के लिए इसको क्या किया गया स्टार्ट किया गया। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का सेकंड फेज स्टार्ट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके द्वारा जो आपका थैलेसीमिया बीमारियां हैं उससे ग्रस्त जो लोग हैं उनकी यहां पर क्या करना है उसके लिए जो है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, उनको जीवन में एक बार इलाज कराने का अवसर प्रदान करना है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है सरल जीवन बीमा पॉलिसी है एडा के द्वारा लाया गया है, 18 वर्ष से 65 वर्ष तक के लोग इसको अवेल कर सकेंगे। इसको 1 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इसके द्वारा जो है इसके लिए एडा ने अभी क्या किया है गाइडलाइंस भी जारी किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना है, ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की है। इसके अंतर्गत जो आपका लघु सिंचाई विभाग है और सोलर पंप की स्थापना के साथ जो है ये कार्य कृषि विभाग के द्वारा किया जाएगा जो भी नलकूप वगैरह का काम है। इसमें कुसुम योजना बी जो है उसके लिए भी कृषि विभाग जो है वो नोडल एजेंसी है। इसके अंतर्गत सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये आपका निजी प्राइवेट लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत है, इसमें इरिगेशन को कैटलाइज किया जाएगा। इसके बाद माई टाउन माई प्राइड है जेएनके गवर्नमेंट का, इसमें जो है आपका जो भी इसका जो प्रमुख उद्देश्य है जो आपका अर्बन एरियाज है शहरी क्षेत्र उसमें सार्वजनिक आउटरीच को सक्षम बनाना है और डेमोक्रेटिक जो आपका एक डायमेंशन है उसको जमीनी स्तर पर क्या करना है उसको सशक्त करना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसको उपलब्ध करा के, है ना, ठीक है। तो क्या करना है यहां पर प्रोवाइड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ऑन द ग्राउंड लेवल और ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन करना है डेमोक्रेसी को, ठीक है ना। ये जो है 15 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। इसके बाद स्टार्स योजना है सेंट्रल, ये आपका सेंट्रल की है आपकी योजना और ये जो है वर्ल्ड बैंक से भी इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त है। 14 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया है ये आपका। इसका समग्र फोकस जो है वो क्या है क्वालिटेटिव एजुकेशन, है ना, जो आउटकम बेस्ड हो, ठीक है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020 की उससे भी ये आपकी सिंक्रनाइज्ड है, ठीक है। इसकी जो कुल आपकी राशि है इसमें जो आपके बजट की बात की गई 5718 करोड़ रुपए है, इसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है 3700 करोड़ रुपए की सहायता वर्ल्ड बैंक भी देगा। तो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा इसमें और ये आपका क्या होगा आउटकम बेस्ड होगा जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन भी है, ठीक है ना। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।